कभी आपने सोचा है कि परछाई का कलर हमेशा ब्लैक ही क्यों होता है? मैं गोरा हूं, काला हूं, मैंने किसी भी कलर के कपड़े पहन रखे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, पर उसकी शेडो हमेशा ब्लैक कलर की क्रिएट होती है। आज हम लाइट का पूरा कंसेप्ट समझेंगे, जो कि हमने शायद 7th क्लास में पढ़ा था, अब हम भूल चुके हैं उसको। पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करता हूं मैं फिर से। तो सबसे पहले लाइट को समझते हैं। लाइट है क्या? अगर किसी भी जगह पे लाइट आ रही है तो वहां पे हमको सब कुछ दिखाई देता है। बेसिकली लाइट बहुत तरीके की होती है, पर उसके अंदर जो विजिबल लाइट होती है, जो हमको दिखाई देती है, वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। स्पेक्ट्रम छोड़िए, मैं एक नंबर दे देता हूँ हर एक कलर को। हर एक कलर का अपना एक नंबर होता है। हमने रेनबो के कलर्स पढ़े हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो। तो हम मान के चलते हैं रेड का सबसे बड़ा नंबर है, तो जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी। चलिए मैं आपको एक बार वेवलेंथ का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे बवाल चल रहे हैं कि भाई लाइट किस फॉर्म में होती है, क्या वो वेव की फॉर्म में होती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। बहुत सारे बवाल चल रहे हैं और कोई प्रूफ नहीं कर पाया। मेरा अलग कंसेप्ट है, कभी बाद में बात करेंगे कि भाई वेव होती है या पार्टिकल होती है या फिर दोनों का मिक्सचर होती है, क्या होती है। मेरा अपना खुद का कंसेप्ट है। तो जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो हमारी इस रेंज के अंदर आ रही है, मतलब इस नंबर सिस्टम के बीच में आ रही है। रेड से लेके वॉयलेट के बीच में सारी चीजें आ रही है। न्यूटन ने एक चीज के बारे में समझा। न्यूटन ने देखा कि भाई ये जो ब्लैक है, ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन कैसे हो रहा है। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस कलर की फ्रीक्वेंसी को बाहर फेंकता है वो चीज हमें दिखाई देती है। अभी मैं देख रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये लाइट आपकी आंखों से टीवी के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर, जिस भी चीज में आप देख रहे हो उसके ऊपर पड़ रही है और वो वापसी आ रही है। अब ये जो ग्रीन शर्ट आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये ग्रीन फ्रीक्वेंसी को बाहर फेंक रही है। मान के चलते हो ग्रीन का जो नंबर है उस नंबर से बाहर निकल रहे हैं। अब ब्लैक क्या हुआ? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि कुछ बाहर नहीं फेंकती, वो ब्लैक होती है। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा ब्लैक है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी व्हाइट व्हाइट सी रोशनी आ रही है। अब क्या है ये? क्या ये ब्लैक ऑब्जेक्ट है? क्या ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब तो कर रहा है, पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोटिंग लगी हुई है। लेदर जैकेट है, उसके ऊपर पॉलिश होती है, उस पॉलिश की वजह से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। इस चक्कर में आपको व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने जो लाइट सोर्स ले रखा है वो व्हाइट कलर का है। फिर से एडवांस लेवल पे जा रहा हूं मैं, वो छोड़ते हैं, फिर से वापसी आते हैं हम बेसिक के ऊपर। तो जहां पे भी लाइट होगी वहां पे हमको कलर दिखाई देगी, और जहां पे लाइट नहीं होगी वहां पे हमको कलर दिखाई नहीं देगी। एक रूम है जहां पे हमने सारी लाइट सोर्स को बंद कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा अंधेरा। तो मतलब वहां पे हमको कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहा। अब मैंने ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी हो, ब्लैक की पहन रखी हो, किसी भी कलर की पहन रखी हो, पर उसका कलर अब ब्लैक हो चुका है क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। मैंने ब्लैक जैकेट पहन रखी है, ये कोई कलर बाहर की तरफ नहीं छोड़ रहा, इसलिए ये ब्लैक है। अब भाई मेरी जो शेडो है, ये शेडो भी कलर छोड़ रही है क्या? यहां पे रूम वाला कंसेप्ट आएगा। हमने क्या किया? हमने लाइट को बंद कर दिया, हमको हमने लाइट को आने नहीं दिया। यहां से लाइट आ रही है, मैंने इसके आगे हाथ लगाया, यहां पे शेडो क्रिएट हो गई। हमने क्या किया? हमने लाइट को रोक दिया। लाइट को रोक दिया तो क्या हुआ? कोई भी कलर हो, कोई भी चीज हो, उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक, क्योंकि वहां पे लाइट आई नहीं पा रही। तो यही रीजन है शेडोज ब्लैक होती है। आशा करता हूं आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा, मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कर देना इसको, और छोटे बच्चों में भेजना जिनको समझ में नहीं आता कि लाइट का कंसेप्ट क्या होता है। 7th क्लास की पूरी चैप्टर की बुक खत्म कर दी मैंने एक छोटी सी वीडियो के अंदर। और आप उन लोगों से भी बात शेयर कर सकते हो या फिर अपने ग्रुप के अंदर टशन मार सकते हो, पता भाई शेडो ब्लैक कलर की क्यों होती है, फिर उसको आप वीडियो दिखा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शब्बा गैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो लाइक शेयर कर देना यार, बस बाकी ठीक है।